छठ पूजा 2024 नवंबर में छठ पूजा कब है, जानिए इस महापर्व से जुड़ी खास बातें। छठ पूजा पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार चतुर्थी तिथि से आरंभ हो जाता है और सप्तमी तिथि पर समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में छठ पर्व का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, डाला छठ और क्षेत्री या डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र और कार्तिक महीनों के दौरान साल 2 बार में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। जानिए छठ पूजा कब है और इससे जुड़ी अन्य खास बातें। नहाए खाए के साथ आरंभ होता है छठ पर्व। छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह पर्व न्याय खाए के साथ आरंभ होता है और व्रत का पारण सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4थे दिन समाप्त होता है। कहाँ मनाया जाता है यह पर्व? इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। छठ पूजा 2024 में कब है? षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 को सुबह 12:41 पर प्रारंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। छठ पूजा पहला दिन न्याय खाए 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्ध 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। छठ पूजा का चौथा दिन ऊषा अर्ध 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। क्या होता है न्याय खाए व खरना? नंबर 1, न्याय खाए। छठ पूजा के दिन पहले ही दिन को न्याय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती एक समय ही भोजन करते हैं। नंबर 2, खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन छठी माता के लिए भक्त भोग बनाते हैं। शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाने की परंपरा है। नंबर 3, संध्या अर्ध। भक्त शाम को सूर्य देवता को अर्ध देते हैं। नंबर 4, ऊषा अर्ध और पारण। सुबह में भक्त सूर्य देव को अर्ध देते हैं और पारण का अनुष्ठान करते हैं।